हेलो हेलो, हेलो, नितिन नंदाकार, बोलिए। कौन मैं इमरान बात कर रहा हूँ, मोहम्मद इमरान? कहाँ इमरान, हैदराबाद से? बोलिए। से। भाई, आप कंडीशनर के पास कल कंप्लेंट करे जाके, आप हाँ, करा। तो ऐसे वाकयात हो रहे, बल्कि आप बोले ओल्ड सिटी में, बल्कि ओल्ड सिटी में कितने बार हुए भाई ऐसे वाकयात, बोलो आप, 10 बार हुए बोलो एक बताओ। मैं नामपल्ली में, नहीं हुआ गोलकोंडा नामपल्ली में हुआ एक बार, हुआ और दूसरी बार में, नहीं हुआ। अच्छा, तो आप सुनो, कुछ मुसलमान बच्चे किसी की जान लिए, तो बोले मार, आपको खुले मार देते क्या? आपके दूसरे स्टेट्स में यो देख रहे हैं ना, मुसलमान लव जिहाद के नाम पे कितने मुसलमानों को मार रहे हैं। लव जिहाद के नाम पे हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे, वो नहीं दिख रहा। फिर आपके हिंदू बच्चे ऐसे हमारे बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे, वो नहीं दिख रहा। पहले अब मुसलमान बच्चे हमारे बच्चों को मार रहे, वो नहीं दिख रहा। आपके आप ही मेरे सवाल का जवाब दियो, योगी के स्टेट में, दूसरे सवाल का स्टेटों जवाब में देने, आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं मैं। कहां आपके लोग तो जान से मारे, हमारे लोग तो भी कुछ मारे करे नहीं, जान से? कहां से मारे? कहां कहां मारे कहां जान से? अरे जय श्री राम बोल के मारने लगा रहे, लव हाँ जिहाद भाई, के कहां बोल के मारे उन्हें जान से? कहां मारने लगा रहे मारे ना भाई, बहुत देखे। जान से? अरे आप तो भी 10 केस बता रहे, हम तो आप गिन नहीं सकते उतने केसेस से। एक केस दिखाओ मेरे को। अरे आप ऑन कर लो जी, यूट्यूब ऑन कर लो, दिखता आपको हर तरफ अरे की न्यूज भाई, दिखती, YouTube मैं जय ऑन कैसे श्री, करूं? मेरे को नहीं तुम आप सुनो, फोन जय करे श्री आप मेरे राम। को बताओ। बताओ अरे मैं आपको हर चीज बताता हूँ, मैं आपको जय श्री राम के नाम से आप लोग गुंडागर्दी कर रहे, बीजेपी राज में पहले नहीं करते थे इतनी गुंडागर्दी। तो एमआईएम वाले गुंडागर्दी नहीं करते मैं शहर में? भाई मैं का सपोर्टर नहीं हूँ मैं, तो फिर, अरे फिर जो गुंडागर्दी करते बोले तो उनके भी नहीं बारे में उनके, बोलो ना मैं भाई। उनके भी खिलाफ हूँ, मैं उनको भी सपोर्ट नहीं करता हूँ, गुंडागर्दी में उनको भी सपोर्ट नहीं करता हूँ। लेकिन आप, गुंडागर्दी कभी भी बीजेपी वाले नहीं करते और ना ही करेंगे। मैं आप कहां बीजेपी पे एमआईएम की बात गुंडागर्दी? नहीं कर रहा आज हूँ, आज हैदराबाद शहर में गुंडागर्दी को हम कभी करे उसे दिखे, देखे आप। मैं आपको गुंडागर्दी ना, आप जो तालुक से कल बोले ना भाई, होल सिटी में मुसलमान भाई, मुसलमान हिंदू बच्चों को रोक के मार रहे बोल के ऐसा बोले, और मुस्लिम लड़की भी बेइज्जती कर रहे बोले, हम लोग सिर्फ मार के डरा के कर रहे, उल्टा हमारे ऊपर ही केस बुक कर रही पुलिस। हाँ, फिर लेकिन बराबर केस बुक कर दीजिए। आप एक लोग बात तो दूसरे, बोलो, आप लोग आप ये स्टेट में तो देखो, केसेस बुक करके जान से मार दे रहे ना जी बच्चों को, अरे प्रॉपर भाई स्पीच एक चेंज बात होता। बोलो, एक बात बोलो, बोलो कौन सा मजहब सिखाता रोड पे ठहर के एक बच्ची की इज्जत निकालना? बोलो, मैं कौन सा भी मजहब तुम्हारे नहीं को सिखाता इतना, भैया, इतनी तकलीफ हुई कि एक हिंदू बच्चे के साथ एक मुसलमान की बच्ची फिर रही? अरे वो भी हमारी बहन है जी। बरोबर आप बहन बोल तुम के रेस्पेक्ट दे रहे हैं भाई, तो फिर दूसरी जगह भी मुसलमान को मार रहे तो वो भी भाई है बोल के आप मैं सपोर्ट बहन में को बोलना रेस्पेक्ट था अभी देता तक। हूँ? नहीं, मैं मुसलमान की बहनों को बिल्कुल रेस्पेक्ट करता हूँ। आज से नहीं, मैं जब से राजनीति में हूं और मरते दम तक इज्जत करेंगे अपन। क्यों? क्योंकि देखो, बच्चियों की अलग बात है, बच्चों की अलग बात है। तुम्हारे को अगर गलत दिखा वहां पर, तो तुम क्या करना था? पहले उस बहन को भिजाना। बहन तू जा घर पे, बहन को रुके, तू क्या कर रही, तू किधर से आई, तेरी अम्मा को फोन लगा, बाबा को फोन लगा, तेरे घर वालों को फोन लगा, इनको नोते जी पूछने वाले? मेरे को बोलो, क्या भाई इन उन ठेकेदारी लोग के लेके बैठे तरीके क्या? से पूछ लिए उन लोग के, उन अरे लोग कैसा पूछते जी, एक बच्ची को खुलेआम रोड पे कैसा पूछ सकते आप? बोलो, आप अरे देखो, भाई आप एक बात आप एक बोल बात बोल रहा हूँ मैं आपको, सर आप दो। ओल्ड सिटी में बोल रहे, उससे पहले ओल्ड सिटी में मुगलपुरा पीएस में वाकया होता, आपको वो भी याद नहीं होगा। आप दूसरी तरफ का बोल रहे, नामपल्ली गोलकुंडे का बोल रहे, उस तरफ सिर्फ एक हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की को लेके जा रहा, तो खाली बच्चे रुकाए थे अभी मारे भी नहीं थे, तो उल्टा मुगलपुरा पीएस में उनके ऊपर केस बुक कर दिए थे बच्चों के ऊपर, सिर्फ तरीके से रुका उन लोग। अरे मेरा बोलने बोलो, का मतलब ये है भाई, आप जैसा ये ताल्लुक से बोले ना भाई, जब मुसलमान बच्चों को भी गैर जरूरी मार रहे हो, उन लोगों के ताल्लुक से भी बोलो आप, जब हर मजहब की रेस्पेक्ट करते तो आप सुने भाई, मैं आपको, आप नहीं देखे, मैं बोलते समय हर मजहब की रेस्पेक्ट करता हूँ बोल के नहीं बोला मैं? मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, चलो आप जो नहीं, बोल मैं रहे भी आपको बहन, गलत नहीं आप बोलूँ। बोल रहे हो उसमें मुस्लिम बहन की बेइज्जती करे, ठीक है सही बात है आपकी, बिल्कुल आप रेस्पेक्ट कर रहे सही है, लेकिन इस ताल्लुक से भी बोलो ना भाई, जहाँ जय श्री राम बोल के मारने लगा दे रहे, लव जिहाद बोल के मारने लगा रहे। अरे कहां पर मारे भाई? मेरे को ये केस दिखाओ ना। अरे भाई हैदराबाद किस, शहर की बात करो, हैदराबाद उत्तर शहर प्रदेश की मध्य नहीं, प्रदेश छोड़ दो, आज मैं सही क्यों हैदराबाद में भाई आप हूँ। इंडियन नहीं है, आप हर तरफ की बात करो, आप हैदराबाद की नको करो आप। अरे फिर चलो, मैं इंडियन हूं, मैं हर तरफ की बात आप करने की तो बात कर ऐसा रहे, तो मेरे को हैदराबाद के एक आप वाकया, प्रेसिडेंट हैं आप, एक वाकया बताइए मुझे।
कि एक वाकया तो बताइए मुझे, फलाने जगह पे ऐसा हुआ हुआ बल्कि अब ईसामिया बाजार के पास नहीं हुआ था, गणेश के टाइम पे क्या हुआ भाई? जगदीश मार्केट से एक उन्हें अपनी शॉप बंद करके जा रहा था, हाँ तो उसको वहां पर नारे लगाओ बोल के मारे उसको फिर। भाई, ऐसा बोले समझो बहुत किस्से निकलते ईसामिया बाजार आप में। बताओ बोल रहे सुनो ना भाई, मेरे को आप आप सुनो, बताओ बोल रहे ना, बताया ईसामिया मैं ये बात। नहीं, वैसा भाई जयश्राम, ईसामिया बाजार में क्या बोलते हैं, हमारे गणेश पंडालों के पास आपके लोग आके पंडाल के पास मारम तोड़ी करे जब नहीं हम करे वो भैया, वो नहीं आई, करे, क्यों नहीं करे वो नहीं करे, वहां से वो जा रहा था वहां से, आप भाई? लोग जबरदस्त, आप नहीं करे, इमरान भाई, आपकी सोच सुनो, आप बोल रहे ना आपकी सोच अच्छी है बोल के बोल रहे ना, अच्छी है, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे जो लोग सोच जो गंदी रख रहे, आप उन लोगों को भी सबक सिखाओ, आप मजहब की बिल्कुल रेस्पेक्ट बता, करते तो। देखो इमरान भाई, जहां पर गलत हुआ वहां पर आवाज हम उठाएंगे, चाहे वो कोई भी हों, दो बिल्कुल आवाज उठाएंगे, हम 100% उठाएंगे। लेकिन एक बात की तकलीफ क्या है बोले तो, अरे अरे जा, ये बच्चे जो कर रहे गुंडागर्दी कर रहे, अरे अरे तुम्हारी खुद की बहन तो नहीं है ना रे भाई, तुम लोग ऐसा रोड पे ठहर के भाई मारने के लिए? भाई खुद की बहन नहीं, आपको जैसा आपसे आपके मजहब से मोहब्बत रहती, हम सबको भी हमारे मजहब से मोहब्बत भाई तो रहती। मोहब्बत से, सुने मजहब भाई, से, मजहब से बोले तो आज तो जैसा हमारे भी बोले वैसा जो रोड पे जो भाई। नहीं मुसलमान जो बच्चे आज जो रोड पे करे बोल रहे ना, उन लोगों को भी तकलीफ हो रही, दूसरी जगह इमरान लोग जिहाद भाई, बोल के मार दे रहे ना भाई, हमारे भी भाइयों को। इमरान भाई मेरी बात को आप सुनो, आज के डेट में आप अपने घर के लोग अपनी बात को नहीं सुन रहे, आज के डेट में आज जनरेशन इतना फास्ट हो गया सो है, तुम रोड पे ठहर के किसकी भी बहन को किसकी भी अम्मा को रोक देंगे, ऐ तू कहाँ जा रही, तू बुरका पहनी, तू वो कर रही, हिंदू के साथ जा रही, वो जा रही, ये जा रही बोले तो, जब खून की जरूरत पड़ी तो हिंदू मुसलमान थोड़ी देखते अपन, नहीं वो तो भाई लेते ना जब भाई अपन ब्लड सब लोग लेते ब्लड की ना। जगह रहती हिंदू मुस्लिम ने। आप एक एक सिंपल बात बोल रहा हूँ, अब मैं कोई हिंदू लड़की को लेके गया तो आप मेरे को रोकते क्यों रोकते भाई, नहीं, तुम कौन रोकते से आप? काम से जा रहे, तो अगर आप वाकई में किसी काम की वजह से जा रहे, या क्या बोलते, चलो भाई आपके फील्ड में आप जॉब करते, दोनों मिलके जॉब कर रहे, किधर भी जा रहे कर रहे, तो हम क्यों रोकेंगे भाई? ये जमाने रोकने रुकाने का है क्या? तो आप ऐसा मैसेज दियो भाई, आप जब इतने मजहब से मोहब्बत कर देना तो आप दो भी तरफ देख के एक तो मैसेज मैं दियो। आप वही क्या बात बोल बोला के ना, दियो मैडम, आप मैं प्रेस में क्या बोला, आप एक बीजेपी के एक अच्छे प्रेसिडेंट, एक अच्छी सोच वाले इंसान है ना, तो आप एक अच्छा मैसेज क्या दियो बोलो मालूम, किसको भी कानून हाथ में न लेना चाहिए बोले, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो बोल के, ऐसा मैसेज दियो मैं बिल्कुल आप वही यहाँ दिया ना हैदराबाद भाई। की कर रहे हैं, आप इंडिया में तकरीबन हर जगह पे हिंदू कानून हाथ में ले रहे हैं, गैर जरूरी मुसलमानों को मार रहे। अरे भाई कहां पर भी नहीं हो रहा, अरे जयपुर काम सही पर भी बात नहीं हो है, रहा, आप हैदराबाद की बात नहीं बोल रहा, मैं दूसरे स्टेट्स की बात बोल रहा हूँ। दूसरे जगह पे भी नहीं हो रहा जी। अभी लव जिहाद के केसों पे मार रहे बोले तो बराबर मार रहे, हाँ लो क्यों झूठे नामा बोल के बच्चियों की जिंदगी खराब कर रहे जी? अरे भाई बोलो तुम सच्चे वो हो? सुनो, अगर सब तुम जगह कर रहे, सच्चे, एक तुम सच्चे मुसलमान बोल हो के, तो एक सीधा सीधा मुसलमान साफ भी, बात करना, भाई ये आज मुसलमान हमारे भी एक बच्चों की प्रॉब्लम ही कितनी है, जिंदगी। ये मुसलमान की एक प्रॉब्लम नहीं है, हिंदू का भी प्रॉब्लम है ऐसी, तो आप उनको सबक सिखाइए, एक के लिए पूरे मुसलमान को अरे टारगेट नहीं आप एक बनाना बात बोल, चाहिए। आप एक आपको एक बात बोल तो, हमारे हिंदू के कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रहे जी कोई लोगा भी नहीं बोलो, करे, हमारा सबसे झूठे पहली बातें कर चीज रहे, तो एक झूठे इस्लाम, नामा लेके, इस्लाम में झूठे झूठे बातें कर रहे, वो पूरे हर हर मजहब चीज में में झूठे झूठा हैं बोला। लोगा, वो हर मजहब में झूठे, इसको एक पूरा मजहब खराब नहीं मैं होता मजहब उससे, की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर वही बोल बताओ रहा हूं, मैं हर मजहब की मजहब बात में नहीं एक कर रहा हूं, झूठा जो इंसान लोग रहता कर है रहे हैं लेकिन उनकी उससे बारे में पूरा बात मजहब कर रहा हूं खराब मैं। और मुसलमान खराब नहीं होता ना, हिंदू खराब होता, जो अरे खराब है भाई उनको सबक सिखाइए। इस दुनिया में मैं कोई भी आपको ये नहीं मजहब बोल रहा खराब हूं, नहीं है, कोई आपको भी क्या मजहब बोल रहा खराब नहीं, नहीं है, जो खराब है आप उनको सबक सिखाइए। बिल्कुल सिखाता हूँ जी, मैं बराबर सिखाता हूँ। आप ऐसा है कि मुसलमान को सिर्फ आप बोलेंगे, हिंदू के लिए आप खामोश रहेंगे, बोले तो ये गलत है बात। मैं क्यों, मैं हिंदू, अरे हिंदू नहीं करता है बोले इसलिए तो मैं क्यों बोलूं जी भाई? आप नहीं मारो बोले, आप दूसरी तरफ हुई तो आप खामोश, खाली स्पीचेस दे रहे रहते आप अरे हिंदू को, हिंदू कुछ कर रहा है इसलिए तो मैं क्यों हिंदू को बोलूं जी भाई? हिंदू। अरे बोलो, भाई क्या हिंदू पकड़ के किसी मुसलमान को मार रहा है भाई क्या? हिंदू कर रहा, जो कुछ किसी भी को कर पकड़ रहे के वर्ल्ड हिंदू, सिटी मार रहे हिंदू हम लोग, हर क्या कोई नहीं। लव जिहाद का अरे ये कर रहे क्या हम लोग, क्या भैया क्या बोलते, भैया हिंदू हिंदू रह के मुसलमान बन के लव जिहाद कर रहा है क्या? ऐसे कुछ गलत काम कर रहा है क्या मेरे को बोलो आप? हिंदू का, हिंदू की चाल, हिंदू हर हिंदू को नहीं बोल रहा मैं, जो आरएसएस और बीजेपी की सोच वाले हिंदू है, सिर्फ उन लोग मुसलमान को ही टारगेट बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं मुसलमान के करते, लड़कियों को ही बिल्कुल टारगेट नहीं बना रहे करते हैं, मुसलमान भाई। के लड़कियों को तुम्हारा ही टारगेट बना रहे हैं। मुसलमान आरएसएस बजरंग दल कोई किसी के बाप को टारगेट नहीं करता, और उनको उतनी जरूरत नहीं है, आप मेरी बात को ध्यान में रखो।
वो लोग देश के लिए धर्म के लिए काम करने वाले लोग हैं, अपने अपने धर्म में अपने अपने मजहब में काम करने वाले हैं। मैं भी एक आरएसएस का हूँ, बजरंग दल का हूँ, वीएचपी का हूँ, हर जगह हर संगठन से जुड़ा हो, लेकिन हम लोग कभी भी गलत, मैं क्या गलत बात कर रहा हूँ? आप गलत, आप अच्छी बात कर रहे हैं, मैं गलत बात कर रहे हैं ब्रो। अरे मैं यही बात बोलना चाह रहा हूं, ये बोलो ना, आप ये बोलो मेरे को, मैं एक मैं सवाल पूछता हूं आपको, दो भी तरफ देखो, आप एक छोटी सवाल पूछता हूं आपको, आप तुम्हारे लोग लव जिहाद के नाम पे हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे? तो हिंदुआ नहीं कर रहे, कहाँ पे कर रहे हैं मेरे को बताओ? लोग ने को बोलो भाई, जो खराब है हम उनको मुसलमान, जो खराब लोग है वो लोग नहीं कर रहे, जो खराब लोग है वो लोग नहीं कर रहे, भी कर रहा ना, कहाँ कर रहा, एक भी नहीं कर रहा। अरे वही तो आपको बोल रहा हूँ मैं, तो तुम्हारे को हजारों केस दिखा दो, को दियो आप हैदराबाद की मिसाल को दियो, मैं पूरे देश भर में के केसेस है, केरला में लव जिहाद के नाम पे जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहे, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बर्बाद नहीं कर रहे, केरला में इंटर हुए ना, तो केरला की बात को जोड़ो, यूपी में भी इंटर हो आप, यूपी में कैसा, योगी राज में कैसा चल रहा मुसलमान के खिलाफ? बराबर अच्छा चल रहा, अच्छा कुछ गलत हो रहा क्या वहाँ पर? गलत ही हो रहा वहाँ पर मुसलमान। अरे मेरे को ये वाकया बताओ ना जी भाई, तुम्हारे साथ योगी आदित्यनाथ गलत, आप गलत कर वाकयात क्या बताओ, आप सोशल मीडिया पे नहीं रहते, आपको नहीं दिखता सब? मैं देखो जी के बोलते हैं सब, सोशल मीडिया पे फेक न्यूज नहीं आते, नहीं फेक है बोलते हैं आप वो, फिर ये भी सोशल मीडिया पे फेक न्यूज, ये भी जो न्यूज आप देख रहे मुसलमान ऐसा कर रहा है हिंदू लड़कियों के ऊपर, ये भी फेक है फिर? ये रिसेंट का न्यूज है ना भाई, क्या सालों साल पुराने न्यूज़ का थोड़ी निकाल रहे क्या? हम लोग मुसलमान इतने सबर वाले हैं भाई, वो जो भी करेंगे लेकिन सिर्फ डरा के बात करके छोड़ देते, किसी की जान नहीं लेते हम ना, आप लोग तो भी जान ले लेते। अरे भाई ये सब बेकार बात है जी इमरान भाई, नहीं नहीं जान ले लेते हम लोग, वैसा नहीं करते कभी काम, आप एक समझदार आदमी हैं, हमारे लोग, मैं बोलता हूँ हमारे लोगों की ये जो गलती रहती कि आगे वाले को सिर्फ समझाते, गाली देके बदनाम होके केसेस बुक करा लेते, लेकिन क्या गाली देते, मार रहे ना जी, खुले मार रहे ना, दूसरे लोग गाली देके मार के जान ले लेते लेकिन उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। नहीं 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 गलत बात है, टोटली गलत बात है, आप तुम्हारे लोग नहीं मार रहे क्या रोड पे ठहर के? हमारे लोग कभी किसी की जान नहीं लेते, हमारे भी लोग किसी की जान नहीं लेते। आप बोले ना पहले, आप एमआईएम के सब, मैं एमआईएम का सपोर्टर नहीं हूँ मैं। अरे तुम एमआईएम के लोग असुद्दीन ओवैसी क्यों जी आवाज नहीं उठा रहा? एक मामली सिंह का केस हुआ तो पूरे देश भर में टिंग 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 करता, ये सवाल असुद्दीन ओवैसी से भी पूछो, आप तुम हो एमआईएम नवेसी के, आप देख लो मेरा नाम असुद्दीन ओवैसी के भी खिलाफ हूँ, उनके उन्होंने भी, सुनो सुनो मैं बोलता हूँ, उन्होंने भी हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाते, उनके भी खिलाफ हूँ मैं, तो उनको भी सवाल पूछो, मैं पूछता हूँ सवाल, तुम उनको सवाल पूछो फोन करके, बीजेपी वाले ऐसा केस बुक करे अपने लोगों के ऊपर, तुम क्या कर रहे हो भाई बोल के पूछो सवाल उनको। भाई वो भी हमारी कौम के दुश्मन है, हम उनको भी सपोर्ट नहीं करते बस, लेकिन आप जो मुसलमान के तालुक से बोले तो वो कौम के दुश्मन होते भाई, नहीं पूरे पूरे शहर को चला रहे, पूरे शहर को चला रहे, एमपीआई इनके, कॉर्पोरेटर एमएलए इनके, फिर शहर के दुश्मन, नहीं हम काम नहीं है, काम ले रहे, नाम लेने का नाम ले रहे, शहर के दुश्मन हम नहीं करते भाई इनको सपोर्ट। अरे तो आप अकेले नहीं करे तो दूसरे तो पूरे कर रहे हैं, पुराने शहर में, पुराने शहर में भी जो करना है वही करते हैं, उनको सपोर्ट, हम लोग एवीसी ब्रदर्स को सपोर्ट नहीं करते, हम लोग जो हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलाते उनको नहीं करते हम सपोर्ट, ना बीजेपी को करते। हमारा आपको बोलने का मतलब, नहीं नहीं सुनो, हमारा आपको बोलने का मतलब ये है कि आप जब अच्छे इंसान है तो आप दो भी तरफ देखिए। मैं बिल्कुल दो तरफ की बात कर रहा हूँ भाई, बस इतनी ही बात है आपसे, बिल्कुल दो तरफ की बात कर रहा हूँ। जो भी केसेस हो रहे, जो हिंदू भी करा तो आप उसको भी बुरा बोलिए, मुसलमान भी करा तो उसको भी बुरा बोलिए, हम उसको गलत नहीं बोलते। नहीं मैं बराबर, हमारा बोलना हिंदू गलत कर रहा है इसने जी, हिंदू गलत कर रहा है इसने, तो मैं हिंदू को क्यों बुरा बोलूं भाई? मैं हिंदू बोले तो जो अच्छे सेकुलर माइंड रखने वाले वो हिंदू को नहीं बोल रहा, जो गलीज माइंड रखने वाले मुसलमान से जय श्री राम बोलने लगा रहे वो हिंदू के लिए बोल रहा हूँ, जो मार दे हर किसी को नहीं बोल रहा, ऐसा तो मेरे भी हिंदू फ्रेंड्स है बहुत भाई। जय श्री राम बोले तो क्या बोलते है, देखो थोड़े उंगलियां करने वाले लोग आपके पास भी है जी भाई, जान मैं क्या बोल रहा हूँ, जो मुसलमान है उनको भी हम उंगली नहीं करते भाई, हम गलत मुसलमान है उनको हम छेड़ते भी नहीं, सपोर्ट भी नहीं करते, हम नहीं करना भी नहीं भाई, कहीं को करते सपोर्ट आप बोलो, फोन कहीं को करते आप, तुम आप सपोर्ट कर रहे हो बोल के फोन कर रहे हो आप,
नहीं 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 कर आप कर रहे बोल के आप जो सपोर्ट कर रहे आप जो कमिश्नर ऑफिस कंप्लेंट देने गया था होल सिटी में मुसलमान, तो मैं ऐसा नहीं बोला आपको भाई, हम लोग हमारे पास जो बच्चे करे सिर्फ रुका के एक दो चार गाली देके एक दो चार मार के केसेस बुक करा लिए। क्यों मारते हैं भाई, तू बोलो क्यों मारना, मेरे को मारो लोग जान जान ले ले हमारे बच्चों की, कुछ नहीं हो रहा एक्शन। दूसरे स्टेट में जान ले रहे तो तुम भी इधर जान लेते क्या, मारने ले रहे हमारे लोग वैसा कर देते क्या, बोल रहे भाई लाइन ऑर्डर आप समझ रहे ना भाई, तो आप उधर भी बोलिए ना दूसरे से, आपका बीजेपी आपकी तो अच्छी हुकूमत है माशाल्लाह जबरदस्त, तो आप बोलो वहाँ पर कुछ गलत हो रहा है इसलिए तो मैं क्यों बोलूं भाई, मेरे को बोलो बीजेपी राज में जो गलत हो रहा अभी तक तो किसके भी राज में गलत ना हुआ। आज बीजेपी राज में इतना अच्छा हो रहा बोल के देश इतनी तरक्की पे है, तरक्की पे दुनिया में एक जगह वैक्सीन पैदा नहीं हुई, हिंदुस्तान में पैदा हुई, वो कौन पैदा करा, नरेंद्र मोदी करा, नरेंद्र मोदी पैदा करे, वैक्सीन भी पैदा करे, हिंदू मुसलमान में नफरत भी पैदा करे, कहा करे, कौन सा आपको एक वाक्य बताओ जो नरेंद्र मोदी जी मुसलमान में क्या बोलते हैं, 2014 से लेके 2021 तक पूरी लिस्ट उठा के देख लो आप कितने केसेस मिलते हैं आपको। आज एक बात बोलो, आज ट्रिपल तलाक का जो कानून लागू करे, आज कितने माँ बहन बेटियों की जिंदगी बच गई जी, बोलो नहीं तो जैसा बोले वैसा इस्तेमाल कर रहे थे, इस्तेमाल नहीं करते जिसको ट्रिपल तलाक का मतलब ही नहीं, वो लोग खिलाफ रहते। अरे नहीं भाई, अरे व्हाट्सएप पे बोल रहा हूँ आपको, आपको इस्लाम के बारे में आपको नॉलेज है, सुनो एक बात बोलते, एक औरत है, एक औरत की जिंदगी है, इज्जत है, मर्यादा है, एक औरत घर छोड़ के अपने शौहर है बोल के उसके साथ आती, उसके साथ दो दिन रह गए, तीसरे दिन ट्रिपल तलाक बोल के व्हाट्सएप पे तलाक तलाक बोले तो खत्म हो गया। तो नहीं वैसे लोगों का हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अरे काम से ताल्लुक नहीं है, तुम्हारे लोग कर रहे ना भाई, हमारे लोगों को जिसको दीन की समझ नहीं रहती, इस्लाम की समझ नहीं रहती, वही गलती करते तो उससे दूसरे दूसरी कौम को फायदा मिलता है। हमारे हम जो दीन इस्लाम को जानता ना वो ऐसे गलती कभी कर भी नहीं सकते। आप देख लो जिसको नॉलेज नहीं रहती इस्लाम को, वही घटिया हरकत कर सकता। देखो क्या बोलते, मोदी जी देश में कितना अच्छा काम कर रहे, पूरी दुनिया को मालूम, वो तो मालूम है, इसलिए दुनिया के कंट्रियों में मोदी जी के पुतले बना के चप्पलों के हारा पहना रहे, वो भी देखिए आप, चप्पलों के हारा आप तुम्हारे बवा के भी लगाते हम, फिर आपके पप्पा को लगा लो आप चप्पलों के हारा, मोदी बोलते कि मोदी को बोलते मोदी को बोलते कि लगाते तो आपके पप्पा को रोड पे चप्पलों पे लगा दो, आपके बाबा पे ठहरा के चप्पल के हार में लगाता हूँ, सुने आप मोदी को बोलते कितना चिड़िया रहेगा, आप कर रहे अच्छी बात कर रहे थे, मोदी को बोलते क्या जैसा की मोदी आपके असली बाबा है ऐसा दिख रहा, हमारे तो बाप असली, हमारे बाप असली, हमारे भाई आपके, सुने भाई देखो आपके पप्पा है मोदी, आप बोलो हमारे सुनो जी हमारे दम है, बता कर रहे सुन रहे भाई, गांड में इतना दम है तो दुबई के शेख क्या रहे भाई, हर कंट्री हमारी चेहरे भाई, हिंदुस्तान भी हमारा चाहिए, किसी के बाप की जागीर नहीं है, सुना क्या 6 साल से हुकूमत करके बोल रहे तुम लोग, हिंदुस्तान भी हमारा चाहिए, कहाँ है तुम लोग की कौन सी निशानी हिंदुस्तान में बता रहे भाई, एक तो चीज है तुम्हारी पैदाइश कहाँ से ही रही, तुम्हारी पैदाइश कहाँ से, वो बोलो गटर अच्छा, तुम्हारी एक तो भी कौन सी भी चीज बता ले, जैसा तू गोलकुंडा के जिले का प्रेसिडेंट है बोलता, तो वहाँ की गोलकुंडा जो है वो किसके बाप का है जरा बता दू, अरे दीवाने गोलकुंडा ने गोल्लाकुंडा हमारे बनाए जा रहे, अरे दीवाने गोल्लाकुंडा बोल रहे तुम ना, अरे गोल्लाकुंडा, अरे फिर गोल्लाकुंडा कौन बना, नगर बोल रहे गोल्लाकुंडा कौन बना, अरे सुन सुन रहे इमरान गंगा जमुना तेरे सुन रहे काम की करते, हां बोल बोल सुन रहे गोल्लाकुंडा कौन बना, तुम्हारा बाबा बना क्या, अरे तुम्हारे बाबा बनाए, अकबर तुम्हारा बाबा था क्या, अरे अकबर हमारा बाबा नहीं था, अरे हमारी कौम का था, तुम्हारा बाबा था क्या, खैर एक बात बोलो, जोधा अकबर तुम्हारे तुम्हारे बाबा थे क्या, जोधा अकबर, अरे जोधा अकबर की हिस्ट्री पढ़ ले रहे, कौन साले थे कौन भोने थे मालूम हो जाता तेको, सुना अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, साला तो तू है मेरा, वैसा तू है जो, अरे हर चीज में साले, साला तो तू है मेरा, फिर वैसा देखा गया तो देखेंगे तो साले तुम नहीं चाहिए, अकबर से भी देखे तो साले तुम नहीं चाहिए, एक बात इमरान पढ़ लो हमारी, तुम लोगों की सिर्फ तुम लोग का जो नाजायज कब्जे से और नाजायज जीते ना वो कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से जैसा भी जीते, वो एक सिर्फ मंदिर ही चाहिए तुम लोगों की और कुछ भी नहीं है, वो भी मंदिर भी बाबरी मस्जिद थी एक टाइम पे, वो
असलियत नको बताओ सुना तुम, तू तुम्हारी यकीनन, असलियत क्या है तू वो अगर बोलो। सही है तेरे को एक सवाल पूछ तो मैं एक बात तेरी, करो नहीं तेरे नहीं को मैं एक सवाल सुन तो रहे, अच्छा अरे रे सुन भाई, एक सुन मैं तू सवाल बोल करो, रहा इंडिया ना में ठीक तुम्हारी ठीक है। कोई सी भी हेरिटेज प्लेसेस है बता दे मेरे को। चल हाँ लाल किला किसका है, गोलकुंडा किला किसका है, चार मीनार किसका है, कुतुब हाँ मीनार किसका है, सब चीजों में एक ये भी सब तुम्हारा है किसका क्या है बोल बता रहा, दे अच्छा तू, ठीक है ये सब किसका है बोल रहा, ये धरती बता का दे तुम्हारे पहले बाबा बता जी दे है क्या। भाई। नहीं 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 मेरे बाबा पिछू के नहीं बोल सुन रहे भाई, सुन मेरे मेरी बाबा बात के को, नहीं बोल रहा, नहीं इमरान मैं मेरे सुन, बाबा तू के नहीं कहाँ बोल रहा, पे पहले ये मैं पूछ तेरा रहा ना, सवालों का तू पूछ जवाब रहा दे ना, रहे हाँ भाई, दे तू पूछ, सवालों का जवाब पूछ दे। अब कहीं तो सवाल का सब जवाब पूछ मैं देता मेरा हूँ, पूछ तुम्हारे पूछ लोगों के क्या चीज है वो बता भाई, हिंदुस्तान ठीक जो है। तुम तू क्या लोग बोल चाय रहा, बोलते ना, ठीक है तू बताओ। क्या बोल रहा, चार मीनार तुम्हारा है क्या, लाल किला तुम्हारा है क्या, गोलकुंडा किला है क्या, ये सब तू पूछ रहा सही है ना, पूछ रहा ना। हाँ तू किराए के घर में रहता, सपोज एक बात बोल रहा हूँ, किराया हो एक रहता किराए हूँ। के मरगी में, तू सुन मेरी बात को, तू किराए हाँ के एक शोरूम दुकान खोल लिया, एक दुकान खोल लिया हाँ किसी ओनर के पास, दुकान खोल लिया, खोल लिया ना, हाँ तो खोलने के बाद तेरा दुकान उकान बना लिया तू वहां पर, बना लेने के बाद तेरा धंधा वंदा सब कर लिया, वो अच्छा तेरी जगह तेरी हो जाती क्या, हाँ, जैसा दुकान, कि सुनना चार मीनार का तुमने मेरी बात मंदिर को, बना अरे लिया, जैसा घूम कि रहे, चार मीनार अरे तुम लोग का सुन, होगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ सुन, हाँ मैं क्या बोल। बोल रहा हूँ मेरी बात को, तेरे सवाल का जवाब दे सुन, हाँ जैसे ही तू बोल रहा ना ये कुतुब मीनार चार मीनार ये सब कौन से की मीनारा उनारा बोल रहा ना, ये मीनारा भी हिंदुस्तान की धरती पे बनाए हुए से, हिंदुस्तान की धरती पे तो बनाए हुए, हिंदुस्तान तुम्हारे किसका बाबा की है, धरती पे नहीं बनाए, तो इसको ऐसा हिंदुस्तान पानी भी से तुम्हारी मार के अम्मा की फेंक दिया धरती नहीं समझो, है, तो खत्म हिंदुस्तान भी होता। तुम्हारी अम्मा की धरती नहीं है। चार अरे मीनार की हिस्ट्री करने हिंदुस्तान, पहले मंदिर कहाँ पर था, अरे वहां पर था मंदिर, अरे दीवाने तेरा दीवाने पहले हिंदू, जाके चार मीनार के पहले ओल्ड फोटोज यो सब देख, एल्बम जो भी है वीडियोस में देख, मंदिर कहीं नजर आती क्या वो देख, इलीगल मंदिर है वो भी। लेकिन हम मुसलमान इतने सबर वाले, जान दो हिंदू मुसलमान में मोहब्बत रहना, बल्कि मंदिर के भी लिए माफ कर दिए हम लोग, तेरे तेरे समझे। बाबा को पूछ के हम मंदिरा बनाना अरे क्या, तेरे बाबा को किधर की पूछ, नहीं बनाते तेरे रे, बाबा किधर को भी पूछ बनाते, मोदी को, चार तेरे मीनार के बाबा पास को पूछ बनाते मोदी हैं, को। कुतुब मीनार के अरे पास बनाते, कब तक हमारे को रहे तुम जहां लोग, बनाना अरे उधर देख बनाते रे देख, दीवाने। मोदी एक फिरौन है, और वो फिरौन का खात्मा इंशाल्लाह बहुत जल्द लूंगा, जब तक ही जरा दे तुम हिजड़ों का कर तो लोगे अरे दाबिल्ला। अरे